सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर अब मेटा कर लिया है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसकी घोषणा की है। नाम बदलने को लेकर जानकारी पहले ही मिली थी। बहरहाल हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि कंपनी का नाम क्यों बदला गया। दरअसल मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं कि उनकी कंपनी को केवल एक सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर ना पहचाना जाए। कंपनी सोशल मीडिया से आगे बढ़कर मेटावर्स वर्ल्ड की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी 10,000 लोगों को हायर भी करेगी जो मेटावर्स बनाने में कंपनी की मदद करेंगे। मेटावर्स को आप वर्चुअल रियलिटी के तौर पर समझ सकते हैं, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की मौजूदगी डिजिटल तौर पर रहेगी। लोग डिजिटली एक दूसरे से मिल सकेंगे। मेटावर्स पर फेसबुक ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। जुकरबर्ग काफी पहले से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पर भारी निवेश करते आए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेटावर्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। कंपनी की यही कोशिश है कि लोग अब से फेसबुक कंपनी को केवल सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर ना पहचाने। अब नाम बदलने के बाद जल्द ही कंपनी की ओर से कई बड़ी घोषणाएं भी की जाएंगी जो कि जल्द ही सामने आएगी। जो नाम में बदलाव किया गया है वो पेरेंट कंपनी के लिए है, यानी कि फेसबुक का बतौर कंपनी नाम बदलकर मेटा किया गया है। कंपनी के बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को इन्हीं नामों से जाना जाएगा। यानी नाम बदलने से यूजर्स पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं होगा।